मेकर्स हो चुके हैं मुनावर फारूकी और अभिषेक की दोस्ती के मुरीद। ये लोग भी काफी ज्यादा पछता रहे हैं कि हमें आखिरकार इनकी दोस्ती क्यों नहीं पहचान आई पहले, हमने क्यों उंगलियां की ज्यादा, और इसीलिए इनकी दोस्ती के मुरीद ये भी हुए। और ट्विटर हैंडल पे, जियो सिनेमा के ट्विटर हैंडल पे इन्होंने एक ट्वीट किया और एक प्यारी सी वीडियो जो है डाली है। उस वीडियो में जो है मुनावर और अभिषेक है, जगह जगह जहां पर मुनावर की लड़ाई हो रही है वहां पर अभिषेक आ रहे हैं, जहां पर अभिषेक की लड़ाई हो रही है वहां पर मुनावर आ रहे हैं, हटा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक डाल के जो है ये एक वीडियो बनाई गई है और ट्वीट भी किया गया है, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बोली हैं। और तो और ये भी बात बोली है कि भाई ये वो वाले दोस्त हैं जो कि 99 प्रॉब्लम्स हो ना, तो वो एक ऐसे दोस्त हैं कि वो उन प्रॉब्लम्स को सबको दूर कर देते। होता है ना कोई जीवन में हमारा आपका, मेरे भी जीवन में कोई है जो कि मतलब कि कितनी भी सारी प्रॉब्लम आए, अगर मैं उसको मैं बोल दूं कि भाई मुझे जो है ये प्रॉब्लम है, तो वो सामने से एक ऐसा सोल्यूशन आता है ना, चाहे कुछ भी ना हो, वो बहुत रिलैक्स हो जाता है। और वो है मेरी मम्मी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मेरी मम्मी से मुझे बात करके, क्योंकि वो है मेरी बहुत अच्छी दोस्त। तो उन्होंने ट्वीट किया है, लाइफ में सब टेम्परेरी है। लाइफ में सब चीज़ें टेम्परेरी तो है, हम खुद टेम्परेरी हैं, हम हमेशा के लिए नहीं हैं, कोई भी चीज़ जो है हमेशा के लिए है नहीं हमारे पास। एक्सेप्ट अभिषेक मुनावर की दोस्ती, सब चीज़ें टेम्परेरी है पर अभिषेक मुनावर की दोस्ती नहीं। तो ये चीज़ जो है अब बोल दी है मेकर्स ने, जो कि बहुत है कमाल की। तो ये लोग पछता रहे होंगे या नहीं पछता रहे होंगे, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा उंगलियां की। ये वो ही था ना कि कभी इधर शफल कर दिया, कभी उधर शफल कर दिया, तुम दिल से नहीं, तुम दम से नहीं, तुम दम के, तुम दिल के, फिर आ जाओ दिमाग में, फिर उसके बाद कोई एक्चुअली में अपना बॉन्ड बना ही नहीं पा रहा था, अपनी अलायंसेस सही से बना ही नहीं पा रहा था, क्योंकि हर किसी को कोई ऐसे सिचुएशन में डाल दिया जाता था कि उसको लड़ना पड़ता था, और जो भी वो अपने अलायंसेस बनाता था तब फिर से जो है उसकी वजह से, बिग बॉस की वजह से लड़ाई हो जाती थी। तो एक अलायंसेस अगर सब लोग एक ही घर में हो तो वो अपने ग्रुप जो है डिसाइड करते हैं, अपने जैसे लोग ढूंढते हैं, जिसकी वजह से बिग बॉस को लॉस हुआ और लास्ट में एटलीस्ट इन लोगों को तो प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ये लोग तो जाने जाएंगे डेफिनेटली बिग बॉस 17 मुनावर और अभिषेक की दोस्ती के कारण, मुनावर और मनारा की दोस्ती के कारण। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।